अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं राबिया। आज की इस वीडियो में मैं किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करूंगी, बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी, यानी कि हार्मोनल इम्बेलेंस के बारे में बात करूंगी, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हैं। तो हार्मोनल इम्बेलेंस के सिम्टम्स, इसके कॉजेज और इसके ट्रीटमेंट्स के ऊपर आज डिटेल से बात होने वाली है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ना हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हैं। हमारे फेस के ऊपर एक्ने आ सकती है, इनकी वजह से अनवांटेड फेशियल हेयर्स हो सकते हैं, मोटापा आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं ना जो कि इतनी आसानी से हल भी नहीं होते और हमें बहुत ज़्यादा इनकी वजह से चिड़चिड़ापन हो जाता है। हार्मोन्स हमारी लाइफ में बहुत ही वाइटल रोल जो है वो प्ले करते हैं, हमारे इमोशनल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हार्मोन्स होते क्या हैं, तो ये बहुत ही पावरफुल केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के अराउंड मूव करते हैं, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, तो ये उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और बॉडी के बहुत से मेजर प्रोसेस जो होते हैं ना, ये उनको कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। हार्मोन्स जब इम्बैलेंस होते हैं ना, तो या तो वो बढ़े होते हैं या घट रहे होते हैं, यानी कि या इंक्रीज हो रहे होते हैं या डिक्रीज हो रहे होते हैं। हार्मोन्स में छोटी सी चेंजिंग से भी ना आपकी पूरी बॉडी अफेक्ट हो सकती है और सीरियसली इसे अफेक्ट हो जाती है। कैसे पता चलेगा कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं या इम्बैलेंस हुए हैं, तो उसके ब्रॉड रेंज ऑफ सिम्टम्स हैं। या तो आपका वज़न एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर आपका वज़न तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है, आपके फेस के ऊपर अनवांटेड फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, आपकी चिन पे, फेस पे, शोल्डर्स पे या बैक पे एक्नी होना शुरू हो जाती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, या आपके जॉइंट्स पर स्वेलिंग हो जाती है, उनमें पेन स्टार्ट हो जाती है, या आपकी आईज़ पफ़ी हो जाती हैं, आपका फेस बहुत ज़्यादा, फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, फेस बिल्कुल राउंड हो जाता है, आपके फीचर्स जो हैं वो छुप जाते हैं, या आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा होने लग जाता है या डिक्रीज़ बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं ये हार्मोनल इम्बैलेंस के होते हैं और किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट, कोई रेमेडी जो है वो वर्क नहीं करी होती, वो यूज़फुल नहीं होती। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है ना, तो इसके कॉजेज भी बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें दो मेजर कॉजेज ये हैं। एक तो हमारा इन्वायरमेंट, हमारा इर्द गिर्द का जो माहौल है, हमारी जो सराउंडिंग है, अगर ये टेंशन से भरी हुई है, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, हम छोटी छोटी बातों की टेंशन लेते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके हार्मोन्स जो डिस्टर्ब हो सकते हैं। और दूसरी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमारी फूड, हम बहुत ही पुअर फूड का इस्तेमाल करते हैं, हम जंक फूड लेते हैं, प्रोसेस फूड लेते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, हम इस किस्म के शुगरी बेवरेजेस वगैरह लेते हैं, और इनकी वजह से हमारे हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम जो चिकन खाते हैं, जो चिकन होता है इसको आर्टिफिशियली ग्रो किया जाता है, तो इनके जो आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता हो जाते हैं, इसकी वजह से भी हमारे हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि इनफर्टिलिटी है, तो इससे भी आपके हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। पुअर स्लीपिंग की वजह से भी आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आपने दो काम करने हैं, एक तो आपने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, दूसरा आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। अब जबकि हम हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, उसके कॉजेज की बात कर रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं बिल्कुल एक नेचुरल ट्रीटमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि सीड साइक्लिंग। और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए अगर आप नेचुरल कोई तरीका ढूंढते हो, तो सीड साइक्लिंग इसके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त सोल्यूशन है। सीड साइक्लिंग के लिए आपने लेना है फ्लैक्स सीड्स पाउडर, आपने सेसमी सीड्स पाउडर लेना है, आपने रोज पेटल्स पाउडर लेना है, उसके बाद आपने पम्पकिन सीड्स पाउडर लेना है और सनफ्लावर का आपने पाउडर ले लेना है। इन सबको आपने इक्वल क्वांटिटी में जो है वो आपने ले लेना है, जितना जितना आप चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं, आप 2 टेबलस्पून जो है वो आप इस पाउडर का मिक्स करके आप रख लें, और हाफ टी स्पून से आपने स्टार्ट करना है। हाफ टी स्पून आपने सुबह लेना है और हाफ टी स्पून आपने इस पाउडर को शाम को लेना है। ये जितने भी पाउडर्स हैं, ये सबके सब
आपको चिल्तन प्योर से मिल जाएंगे और ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में आपको मिलेंगे। वैसे आपके नज़दीकी स्टोर से जो है वहाँ पर भी आपको इजीली अवेलेबल होंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप चिल्तन प्योर की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि आपने फ्लैक्स सीड्स का पाउडर लेना है, आपने सेसमी सीड्स का पाउडर लेना है, आपने पम्पकिन सीड्स पाउडर लेना है, आपने रोज़ पेटल पाउडर लेना है, उसके बाद आपने सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं आपने उनका पाउडर ले लेना है, और इक्वल अमाउंट में आपने इस पाउडर को कर लेना है मिक्स। आपने हाफ टी स्पून इस पाउडर की सुबह लेनी है और हाफ टी स्पून आपने इस पाउडर की शाम को यानी कि असर के टाइम पे आपने लेनी है। उसके बाद आपका जब स्टमक इसको एक्सेप्ट करने लगे, आपकी बॉडी इस पाउडर को जब एक्सेप्ट करने लगे, तो फिर आपने 1 टीस्पून पर आ जाना है। साइक्लिंग से आपकी फर्टिलिटी भी बूस्ट होती है और इम्बैलेंस हार्मोन्स के सिम्टम्स भी इससे रिड्यूस होते हैं। इस साइक्लिंग की शक्ल में मैंने ट्रीटमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट रेमेडी नुस्खा टोटका तब तक वर्क नहीं करता जब तक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए लाइफस्टाइल चेंज करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो जनाब, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी डाइट में प्रोटीन का इनटेक जो है वो ज़्यादा करना है। इसमें ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारी बोन्स के लिए, हमारे मसल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और ये ऐसे हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं जिससे कि हमारे हंगर हार्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं, यानी कि हमारी भूख जो होती है ना वो कंट्रोल में होती है। उसके बाद आपने अपनी डेली रूटीन में कोई ना कोई एक्सरसाइज, योगा वगैरह करना है। मैं आपको योगा सजेस्ट करूँगी क्योंकि योगा आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सीबल बनाता है, स्ट्रेंथ लेके आता है और बिल्कुल आपका जो बैलेंस है ना उसको मेंटेन कर देता है। तो इससे आपका वेट लॉस में भी आपको सपोर्ट मिलती है और आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी बैलेंस रहते हैं। शुगर एंड रिफाइंड कार्ब से अवॉइड करें क्योंकि इससे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। ओबेसिटी, डायबिटीज़ और इस तरह की बहुत सी दूसरी बीमारियों से आप बचे रहते हैं। ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग ना करें, फिर कोशिश करें कि किसी भी चीज़ का आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। कम से कम आप अपने आप को जो है वो डिप्रेशन का शिकार करें, चीज़ों के का जो टेंशन अपना आपका जो टेंशन लेवल है आप उसको कम करें। हाई क्वालिटी नेचुरल फैट या हेल्दी फैट जो है आप उसको कंज्यूम करें। हाई फाइबर डाइट कंज्यूम करें। हाई क्वालिटी स्लीप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। 8 घंटे की कम से कम नींद आपने ज़रूर लेनी है, और जितने भी ये शुगरी बेवरेजेस हैं आप इसे अवॉइड करें। शुगर जो होती है ना वो हर तरह से हार्मफुल होती है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में ये ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इसके सिम्टम्स, कॉजेज, इसके सॉल्यूशंस जो हैं जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।